नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं आज दैनिक के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख संजय राजी के साथ दिल्ली से। तो दिल्ली कांग्रेस में जो भूचाल कैसे आ गया, उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बना देना और उदित राज को भी, तो ये दिल्ली पर ये थोपने की जो कोशिश की जाती है बार बार, और कांग्रेस ऐसे ही पहले से ही इतना जो है तबाह है और ये है, मतलब बहुत खराब इस पोजीशन में है, तो ये क्यों थोपने की जो स्थिति पैदा हो जाती है वो क्यों होती है? जी कह रहा हूं कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई एक अलग से विशिष्ट चरित्र नहीं है। यहाँ पर देश के सभी राज्यों के लोग आकर के काम करते हैं और बहुत से लोग पीढ़ियों से बस गए हैं और यहाँ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी इस समय अपने पतन की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रही है। नेतृत्व जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है और इसका खामियाजा कांग्रेस को सिर्फ दिल्ली ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी भुगतना पड़ रहा है। जहां तक दिल्ली की बात है, जो आज अरविंदर सिंह लौली ने इस्तीफा दिया था और ये लोग एक मुद्दा बनाए हुए हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ पर ला करके टिकट दिया गया है, तो मैं ये आपको बता दूं, ये मुद्दा वही लोग उठा रहे हैं जो पहले से किसी न किसी तरह से राजनीति से, यहाँ की स्थानीय राजनीति से जुड़े रहे हैं और आज के समय में उनकी भूमिका जो है आम आदमी पार्टी के सामने सीमित हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी या कोई भी पार्टी होती है वो नए चेहरे लेकर के आती है। और जहां तक मनोज तिवारी हैं, उदित राज हैं, कन्हैया कुमार हैं, ये लोग भले ही उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं लेकिन यहाँ की राजनीति में वो लोग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, निभा रहे हैं। और बहुत से नेता जो अपने यूपी और बिहार से आए यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। तो जो आपको इस समय विरोध दिख रहा है, ये विरोध जो है मेरा ऐसा मानना है कि जैसे विरोध करने वाले नेता कौन है, अरविंदर सिंह लौली पुराने नेता हैं लेकिन कई साल से ये लोग कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी बहुत अच्छी राजनेता हैं, बहुत अच्छा वो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बहुत अच्छा उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई है, लेकिन अब वो विरोध कर रहे हैं कि मैं यहाँ का हूँ। और अगर देखा जाए तो शीला दीक्षित जी वो मूल रूप से दिल्ली की नहीं है, वो पंजाब के थे और उन्होंने खुद, शीला दीक्षित जो यहाँ की मुख्यमंत्री भी रह चुकी 3 बार, कन्नौज से जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश से। तो ये लोग आज जो बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं, शुद्ध रूप से ये इसके पीछे इनकी अपनी राजनीति है और पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, कन्हैया कुमार और उदित राज की तुलना में अगर वहां के लोग, लवली जी का जो आरोप है और भी तमाम नेताओं का, कि प्रायः लोग दिल्ली वासी मानते हैं हरियाणा और पंजाब और के आसपास के, या यूपी के बॉर्डर के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों को ये अपना दिल्ली का मानते हैं, और बिहार और यूपी वाले को, चूंकि सीमावर्ती है तो ठीक है, बिहारी कुछ ज्यादा ही इनको वहां परेशान करते हैं ऐसा लगता है। तो ऐसे में जो वहां के जो लोग हैं, जैसे जैसे पुराने लोग, जो लवली जी का जो कहना है कि क्या दिल्ली में क्या प्रत्याशियों की कमी थी, नेताओं की कमी थी, तो उसमें तो कन्हैया कुमार और उदित राज तो अनफिट होते ही हैं ना, उनकी पहचान में, उनकी नजर में। जी देखिए, कन्हैया कुमार तो अभी नए उम्मीदवार हैं, उन्होंने बिहार छोड़ करके यहाँ की राजनीति में अपनी भूमिका तलाशने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। लेकिन उदित राज, डॉक्टर उदित राज की जहाँ तक बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ और मैं अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं, उदित राज जनता से जुड़े कार्यों में मतलब वो हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे रहते हैं और कई ऐसे मौके आए हैं, मैंने देखा है
कि उदित राज के पास कोई रिक्वेस्ट गई है किसी काम के सिलसिले में, तो वो खुद टाइप राइटर पर बैठ करके उन्होंने एक टाइपिस्ट की तरह से लेटर टाइप किया है, चाय पानी पिलाया है कार्यकर्ता को और सम्मान के साथ भेजा है, उसका काम करवाया है। तो जमीन पर भाई सीधी सी बात है, जो जमीन से जुड़ा रहेगा और राजनीतिक दल किसी को टिकट देने के पहले वो अपने स्तर पर भी कुछ थोड़ा बहुत सर्वे तो करते ही हैं। तो ऐसे ही किसी को उठा करके टिकट नहीं दे दिया गया है, उसके पीछे काफी चिंतन किया गया, काफी मंथन किया गया है और ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं यहाँ की राजनीति। इसलिए इनको मेरे हिसाब से जो बाहरी कहा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति में जो स्थानीय लेवल पे होनी चाहिए उसमें पिछड़े हुए। लेकिन क्या प्रदेश नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना प्रत्याशी की घोषणा कर देना, ये कहाँ तक जायज है? देखिए प्रदेश नेतृत्व में ही, प्रदेश नेतृत्व में जो टॉप लेवल की लीडरशिप है दिल्ली में, उसमें ही आपस में नहीं बनती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अजय माकन साहब हैं और संदीप दीक्षित जी हैं, इन लोगों में कभी नहीं बनी। दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को अपने से नीचा दिखाने का प्रयास किया हमेशा। दोनों की ट्यूनिंग सही नहीं है और जब शीर्ष लेवल पे ट्यूनिंग सही नहीं होती है तो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर भी उसी तरह से हालात खराब होते दिखते हैं और वही स्थिति यहाँ पर कांग्रेस की। तो कन्हैया कुमार को न दे करके वहां के और स्थानीय कोई भी जो पुराने नेता हैं, जो कार्य मैंने वर्किंग कमिटी में रहे होंगे, उनको देना क्या अनुचित होता, जायज नहीं होता? देखिए कन्हैया कुमार को यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 7 सीटों के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ है, उसमें 3 सीटें कांग्रेस को मिली और कन्हैया कुमार को जिस सीट से टिकट दिया गया है वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की आबादी, जनसंख्या, जो मतदाता है वो भी काफी प्रभावी है। और अब यहाँ पर चूंकि कन्हैया कुमार के सामने इस समय मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी के बारे में जो हम लोगों को फीडबैक मिला है, उन्होंने 5 साल तक कोई क्षेत्र में रह करके कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, उन लोगों से दूर रहे और इसकी नाराजगी का फायदा उठाते हुए काफी चिंतन मंथन करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कन्हैया कुमार को यहाँ से उतारा है। इसके पीछे रणनीति ये है कि कन्हैया कुमार को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनका वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो भी मिल जाएगा और ऐसे में कन्हैया कुमार टिकट, भाई ये तो इनका कैलकुलेशन सही है मेरे हिसाब से, और कन्हैया कुमार को सोच समझ करके टिकट दिया गया है। और कन्हैया कुमार एक तेजतर्रार युवा नेता है, आने वाले समय में वो देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन क्योंकि भाई उसको भी यह जो कहीं कहा जा कहीं। रहा है कि अपने गृह जिला में जो प्रत्याशी नहीं जीतता हो बेगूसराय में, वो क्या दिल्ली में जीतना आसान है? अरे मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस वो साउथ के थे, महाराष्ट्र की राजनीति किया, बिहार में जाकर के चुनाव लड़े। भाई चुनाव कर्मस्थली तो आदमी कहीं पर भी बना सकता है और कन्हैया कुमार जेएनयू का स्टूडेंट रहा है और वहां की राजनीति में भी उसने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये कहना, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कन्हैया कुमार अच्छी टक्कर देगा। तो इससे एक तो यह भी संदेश जा रहा है कि पूरे कांग्रेस में जिस तरह से सीट की संख्या ऐसे ही पहले कम उतारी गई है, और ऐसे में आपके साथ आपका समझौता भी होता है, और आपके साथ हुए समझौते का भी विरोध हो रहा है दिल्ली में। देखिए ये सब स्थानीय लेवल पे तो चलता रहेगा और जब तक गठबंधन राजनीति है और कांग्रेस गठबंधन राजनीति में हिस्सा ले रही है, तब तक कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं,
उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने समझौते किए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और उसमें समाजवादी पार्टी के लिए जो सीटें या बिहार में जो सीटें छोड़ी है इन लोगों ने, उसको लेकर के वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो दिखेगी ही दिखेगी, और ये इनकी मजबूरी है, ये इनको पता भी है, इसके बावजूद इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ऊपर से जो मुद्दे कांग्रेस अध्यक्ष माने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जो कहे जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, कभी विरासत टैक्स, कभी एक्सरे, तो एक तरफ पार्टी में उठा पटक और उसके बाद ये तमाम मुद्दे और ऊपर से वोटिंग कम होना, ये क्या पूरे संकेत दे रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने जो बयान दिया था, मेरे विचार से वो बयान इस समय देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से, उनके बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, ये तीन जो नेता हैं, इनके इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं, इन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है ये। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, बड़े नेता, कई बड़े नेता, अच्छे अच्छे प्रवक्ता जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र 25 साल से एक ही नेता बना रहा है जो स्कूल का हेडमास्टर होने की हैसियत नहीं रखता, और इन लोगों के घोषणा पत्र में जमीनी हकीकत के बारे में कुछ बहुत ज्यादा ऐसी क्रांतिकारी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। अब इन्होंने जो सैम पित्रोदा ने बोल दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका तो सीधा सीधा फायदा भाजपा को ही होने वाला है, और अगर इस बात को कांग्रेस भी समझ गई थी, इसी वजह से कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से भी दूरी बना ली, और सैम पित्रोदा को भी आनन फानन में ट्वीट करके खंडन करना पड़ा, अपने स्टेटमेंट पर सफाई देनी पड़ी कि मैंने एक जो है विचार व्यक्त किया है, इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए। भाई चर्चा तो किसी भी विषय पर राजनीतिक दल, जैसे कोई भी पार्टी है तो उसका एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, और वो मुद्दे तलाशती है कि कौन सा मुद्दा उस पार्टी के लिए जो जनता के बीच में अपील करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह के मुद्दे जो शीर्ष लेवल पर दिए जा रहे हैं, और देने वाले नेता जो हैं इनके रणनीतिकार, इन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है, इन्हें इनका राजनीतिक ज्ञान भी सवालों के घेरे में आया हुआ, क्योंकि इस तरह के माहौल में जब कांग्रेस अपने पतन के सबसे ऐतिहासिक गिरावट के दर स्तर पर आ गई है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को खुद टॉप लेवल की लीडरशिप जो है, और लीडरशिप में भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, भाई अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, मैंने सुना है कि आजकल की वो अपने मन से डिसीजन भी ले रहे हैं, उनको पूरी आजादी दे दी गई, लेकिन पब्लिक के बीच में पूरे देश में जो एक संदेश चला गया है कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार आएगी तो उसमें प्रधानमंत्री का एकमात्र दावेदार राहुल गांधी और कोई नेता नहीं, तो ये सब सारी चीजें, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस के पतन का कारण बने हुए हैं, और इन सब चीजों पर कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से काम करने की जरूरत है, विचार कर एक आखिरी सवाल, और जमीन पर उतार। क्या ये उठा पटक जो कांग्रेस में जारी है उससे भाजपा को लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, खाली कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कहीं से एकता नहीं दिख रही है, आपस में ही ये लोग फ्रेंडली फाइट के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, कुछ जगहों पर ये अच्छी फाइट भी दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे के रूप में ही दिखना चाहिए। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।